Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Landed the heinous gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing, even police. Cold deep in the green rag with gold feet. Last foot. Oh my god! Wow! Well guys, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर Alight Motion एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। अब गाइज आपको क्या करना होगा, प्लस पे क्लिक कर लेना, 4:5 रेशियो को चूज करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होगा। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, अगर आपका इमेज उस वाले रेशियो पे नहीं है तो आपको यहाँ पर वो वाला इमेज को इस वाले रेशियो पे क्रिएट करना होता है। और यहाँ पर आप अपना जो भी इमेज यूज करोगे वो वाला को इंपोर्ट करना, इस तरह हो जाएगा। 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना, यानी कि आपको अपना इमेज को 4:5 रेशियो पे क्रिएट करना होगा। अब शेयर को ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, करंट फ्रेम एज ए पीएनजी, देन एक्सपोर्ट करना होगा। अब जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे यहाँ पर सेव का ऑप्शन आता है, तो सेव का ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हो। देन डिलीट करके अगेन आपको जो अलग वाला इमेज है उसे यूज़ कर लेना, देन उसे भी 4:5 रेशियो पे इस तरह 3 डॉट पे क्लिक करके क्रिएट कर लेना और उसे भी एक्सपोर्ट कर लेना। इस तरह आप अपना इमेज 4:5 रेशियो क्रिएट कर लेना होगा। अब गाइज आपको ना ये वाला जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हो, सैन एंड्रियास एडिटर्स बाय प्रोजेक्ट बाय टेक्निकल सोहेल, ये प्रोजेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, XML एंड प्रीसेट बोथ। तो आप अपना इंपोर्ट कर लें इस Alight Motion पर ये वाला प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर ओपन करें, मटेरियल्स सबको टेलीग्राम एंड ऑफ कोर्स वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ऑल मटेरियल्स है ना, उस पर क्लिक कर देना, वेबसाइट पे पहुँच जाओगे, सारा चीज़ वेबसाइट में मिल जाते हैं। अब यहाँ पर गाइज आपको ग्रुप 1 जो भी है, आपको कोई भी एक ग्रुप पे क्लिक करना होगा। योर इमेज, तो यहाँ पर जो देख रहे हो योर PNG इमेज, तो आपको अपना इमेज को PNG करना होगा। तो PNG करने के लिए आपको फोटो रूम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। अब फोटो रूम एप्लीकेशन आप ओपन किए, अब जो भी इमेज को PNG करना है आप अपना वो वाला इमेज को यहाँ पर PNG कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, दैट्स इट, सिलेक्ट करोगे आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये वाला इमेज को आपको जस्ट दिखाता हूँ डेमो के तौर पे। ये देखो आपके यहाँ पर, देखो ये आपका तुरंत ही इंटरनेट के साथ कनेक्ट जरूर रखना। आपका यहाँ पर बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है, बैकग्राउंड पर क्लिक करना होगा, इरेज पर क्लिक करना होगा, शेयर पर क्लिक करना होगा, सेव टू गैलरी करना होगा। अब यहाँ पर योर PNG इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप फोटो रूम एप्लीकेशन पर PNG फोटो को चूज़ करें। अब यहाँ पर जस्ट मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पर गाइज आपको क्या करना होगा, अपना ओरिजिनल वाला जो आपका क्लिप था यानी कि फ़ोटो था उसे सेम टू सेम यानी कि उसे ही चूज़ करना होगा। तो मैं इसे भी चूज़ करता हूँ। अब देखो ये आपका यहाँ पर इस तरफ सेट हो जाते हैं, या आप यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके फिल स्ट्रेच टू कॉम्पोजिशन एरिया पर क्लिक कर लेना, देन अगेन दोनों फोटो को स्ट्रेच टू कॉम्पोजिशन एरिया पर क्लिक कर लेना होगा। तो इस तरह क्लिक कर देना होगा आपको। अब यहाँ पर गाइज आपको फर्स्ट ओवरले नहीं है, ये फायर ओवरले होगा। तो यहाँ पर बाय मिस्टेकली मैं फर्स्ट टाइप कर दिया हूँ कीबोर्ड के वजह से। तो यहाँ पर आपको फायर ओवरले को चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइज आपको फायर ओवरले चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली कोई भी, ये देख रहे हो ना, ये देखो फायर ओवरले, तो इसे मैं चूज़ कर लिया। अब इसके अंदर आप जो देख रहे हो इमोजी, तो इमोजी यहाँ पर आप कोई भी एक इमोजी को चूज़ कर सकते हैं। मैं स्मार्ट वाला इमोजी को चूज़ करता हूँ, आई फायर, इस पर क्लिक करना, कलर एंड सिलेक्ट पे क्लिक करना, आई फायर ये है, तो ये वाला आई फायर पे मैं क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर इमेज, तो ये वाला आपका स्क्वायर इमेज है, इसे चूज़ कर लो। अब यहाँ पर गाइज आपको ये सबको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके जैसे भी करके सेट कर लेना है जहाँ पर भी, और ये आई वाला को भी आपको सेट कर लेना होगा। बट यहाँ पर ये आई को ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे इस तरह सेट कर लो, रोटेशन पर जाके इस तरह रोटेट कर लो, साइज पर जाके थोड़ा साइज को छोटा कर लो और यहाँ पर इस तरह सेट कर लो। अगेन इसको आई का ऑप्शन पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पर देख रहे हो ये मतलब तगड़ा वाला लगता है यार। अब बैक करना होगा, बैक करने के बाद ये आपका ब्लैक एंड वाइट पे क्रिएट होता है। अब यहाँ पर गाइज आपको इस तरह है, बट यहाँ पर ग्रुप जो आपका नेक्स्ट वाला है, जो नीचे वाला ग्रुप है, उस पर भी सेम टू सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर अपना इमेजेस को इम्पोर्ट कर लें। जैसे कि PNG इमेज, देन 3 डॉट पर क्लिक करके स्ट्रेच टू कॉम्पोजिशन एरिया, देन अगेन नॉर्मल इमेज, तो आपको यहाँ पर नॉर्मल इमेज को अपना सेम टू सेम वाला नॉर्मल इमेज को चूज़ करना होगा। देन अगेन 3 डॉट पे क्लिक करके स्ट्रेच टू कॉम्पोजिशन एरिया। अब यहाँ पर गाइज आपको सेम फायर ओवरले वगैरह ये सब इंपोर्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया हूँ, तो ये जो आपका स्क्वायर इमेजेस एंड आई वाला, इसका आपको कुछ सेटिंग करना होगा। जैसे कि आपको बैक करके आना होगा अपने पुराने वाले ग्रुप के अंदर, और यहाँ पर गाइज आपको नोट डाउन कर लेना है जो आपका ये साइज कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 169 आपका ये साइज है, और रोटेशन साइज -20, और पोजीशन वगैरह आप देख लेना, पोजीशन आप देखना यहाँ पर रोटेशन आप 19 की हो
-20 सॉरी, और यहाँ पर आपका जो साइज है वो 619 और -20, तो आपको बैक करना होगा अगेन। और गाइस आपको सेम नीचे वाला ग्रुप पे चले जाना होगा, और यहाँ पर गाइस आपको ये जो है इस पर क्लिक करना होगा। पहले मैं इसे हाइड कर लेता हूँ, देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे माइनस पे जाता हूँ, -20 degree, ओके। और ये जो देख रहे हो 619, तो यहाँ पर 619 में कर देता हूँ, परफेक्ट सा जैसे करें, क्योंकि हाँ ये अब पोजीशन आप सेट कर लेना यहाँ पर जैसे कि था, तो वो आप अपने ठीक एडजस्टमेंट कर लेना। और उसके बाद अगेन बैक करना होगा, और फिर से आपको इसके अंदर जाना होगा, और यहाँ पर अब स्क्वायर इमेजेस को देखना है, तो यहाँ पर आई अब देख लेना, और स्क्वायर इमेजेस का आप साइज़ को देख लो 837 एंड रोटेशन -49। तो ये आप ये करना नहीं होगा रोटेशन, बट आप यहाँ पर इसका पोजीशन देख लेना, पोजीशन आपको परफेक्ट सा कर लेना होगा, साइज वगैरह देखना नहीं है, पोजीशन देख लेना। अब बैक करना होगा अगेन, और यहाँ पर अपना वो वाला ग्रुप के अंदर जाना होगा, आई का ऑप्शन पे क्लिक करके पोजीशन आप सही तरीके से कर देना, या फिर आप यहाँ पर कॉपी लेयर करके इधर पेस्ट लेयर भी कर सकते हो अगर पोजीशन बिगड़ गया है। तो यहाँ पर इस तरह आपको देखना होगा, तो देख रहे हो ये आपका सही से हुआ है या फिर नहीं हुआ आपको देखना होगा। अगर आपका ये सही से दिख रहा है तो आप समझ लेना सही है, वरना आप यहाँ पर अगेन अपना ये लेयर को कॉपी लेयर कर लेना, और यहाँ पर बैक करना, और यहाँ पर चले आ जाना होगा, और जहाँ पर से ये स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर जाके पेस्ट लेयर कर देना होगा, और इसे डाउन की तरफ कर देना होगा। अब इस लेयर को डिलीट कर देना होगा, या फिर आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो यही आपका है, तो ये आपको कर देना होगा। अब देखो ये परफेक्ट सा सही तरीके से हो जाता है एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर ये करने के बाद आपको ग्रुप 8 पे जाना होगा, और फटाफट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, एडिट ग्रुप पे जाना होगा। गाइस यहाँ पर फटाफट आपको बताता हूँ, यहाँ पर कलर एंड योर इमेज पे जाना होगा, और जो भी आपके इमेजेस है वो वाला इमेजेस सबको यहाँ पर चूज़ कर लेना होगा, जो भी आपके इमेजेस है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं ये अपना ये वाला इमेजेस को या फिर ये वाला इमेजेस को चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर गाइस आपको देखना होगा ये नेक्स्ट वाला, उस पर भी जाना होगा, और यहाँ पर मैं इसे यूज़ करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख रहे हो ये इमेज इसीलिए इस तरह हो रहा है क्योंकि ये इमेज थोड़ा स्लाइड होता है, तो फिर स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर लेना, यहाँ पर स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया दोनों फोटोज़ को, ये देखो ये हो गया आपका दोनों फोटो, स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर लेना। तो ये आपको उतना कुछ होता नहीं है, इमोजी पे जाना होगा, कलर एंड फिल इमोजी, कोई भी एक इमोजी को चूज़ कर लेना जो भी आपको यहाँ पर पसंद आ रहा है। तो यहाँ पर मैं ये यही इमोजी को चूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर गाइज आपको फायर ओवरले, यहाँ पर फायर ओवरले को मैं चूज़ करता हूँ, फायर ओवरले जो भी आपका है जैसे कि ये वाला, ये चूज़ कर लेना, और यहाँ पर सेम इमोजी, यानी कि आपको कोई भी एक इमोजी को यूज़ करना होगा, ये वाला या और इसके अंदर भी सेम उसी वाला इमोजी को चूज़ करना होगा, क्योंकि इमोजी और सेम इमोजी लिखा है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग का थोड़ा इजी हो जाए, दैट्स वाई मैं यहाँ पर थोड़ा प्रोजेक्ट को चेंजेस कर दिया, इमोजी सब आपने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर योर इमोजेस जो है योर इमेज, आप यहाँ पर सेम अपना 4:5 रेशियो वाला इमेजेस यूज़ कर लो, जैसे कि अगर आप ये वाला यूज़ कर रहे हो तो इसे चूज़ कर लो, अगेन इसके अंदर भी सेम उसी वाला इमेज को चूज़ कर लो, और यहाँ पर उसके बाद ये जो दो योर इमेज आ रहा है इसके अंदर भी सेम उसी वाला इमेजेस को आप भी अगेन चूज़ कर लो। गाइस जैसे आप इजी कर पाओ, दैट्स वाई मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट को थोड़ा चेंजेस कर दिया। अब यहाँ पर ये आपने इंपोर्ट कर लिया, अब आपका ये जो देख रहे हो ना ये आपका क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे कि मैं बैक करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देख रहे हो ये आपका यहाँ पर ओके, तो देखो ये फायर इमोजी थोड़ा ग्लिच की वजह से नहीं हो रहा था, बाय द वे आ गया। अब यहाँ पर गाइस आपको ये जो ग्रुप नेक्स्ट वाला है इसके अंदर जाना होगा, एडिट ग्रुप पर जाना होगा, योर इमेज एंड इमोजी, तो अपना योर इमेज एंड इमोजीज यूज़ कर लो। तो यहाँ पर मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ, और इमोजी में से कोई भी एक इमोजी चूज़ कर लो, तो यहाँ पर कोई भी एक इमोजी को मैं चूज़ कर लेता हूँ जो कि रहे ये वाला, दैट्स इट। अब यहाँ पर भाई बैक कर लेना होगा, अगेन आपको यहाँ पर अपना ये ग्रुप भी हो गया। अब इस ग्रुप के अंदर भी जाओ, यहाँ पर मैं अब समझा देता हूँ आपको, योर इमेज 4:5 रेशियो का, इसके अंदर भी योर इमेज 4:5 रेशियो का एक इमोजी बैक। अब अगेन आपका नेक्स्ट वाला जो प्रोजेक्ट है उस पर जाना होगा, तो ये वाला हो गया, ये वाला भी आप सोचो हो गया। अब इसके अंदर भी जाना होगा, ग्रुप 5 था, अब इसके अंदर जाओगे ना, योर इमोजी ग्रुप 5 था। अब यहाँ पर ग्रुप ये आपका यहाँ पर ये भी हो गया ग्रुप 5। अब ग्रुप 2 जो देख रहे हो ना इस पर क्लिक करके मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक इमोजी देना, और यहाँ पर अनदर इमोजी देना, और यहाँ पर गाइस आपका ये अनदर इमोजी, यानी कि यहाँ पर तीनों इमोजी अलग। अब इसके कोई भी एक ग्रुप के अंदर जाना होगा, यहाँ पर इमेज चूज़ करना होगा सेम, और इसके अंदर भी जाकर आपको सेम इमोज चूज़ करना होगा।
तो गाइज यहाँ पर मैंने इमेजेस सबको चेंज कर लिया, यानी कि इमेजेस सबको इंपोर्ट कर लिया। और गाइज यहाँ पर ना आप जैसे कि इसके अंदर भी सेम इमेज, इसके अंदर भी सेम इमेज, डेफिनेटली 3 डॉट पे क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करें, नहीं तो फोटो थोड़ा आपका 4:5 रेशियो वाला मतलब थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, तो स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सारा इमेजेस को जहाँ जहाँ पर टेढ़ा हो जा रहा है, स्ट्रेच हो जा रहा है, तो वहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया दोनों लेयर को कर लेना। दोनों जो आपका जैसे कि दो इमेज लेयर सेम इमेज इंपोर्ट किए दोनों लेयर पे, एब्सोल्युटली दोनों लेयर को चेंजेस करना होगा। अब यहाँ पर ग्रुप 9 पे मैं चले जाता हूँ और इसके अंदर अगेन एक ग्रुप आता है उस पे चले जाता हूँ। इमोजी सबको मैं ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया हूँ, कलर एंड सिलेक्ट करके इमोजी सबको इंपोर्ट कर लेना। अब यहाँ पर ये और इमेजेस यानी कि दोनों सेम इमेजेस को यहाँ पर चूज करना होगा, या मतलब जो भी आपके इमेजेस है उसमें से दोनों सेम इमेज चूज करो। जैसे कि यहाँ पर अगर आप ये वाला इमेज चूज कर रहे हो तो उस पर भी आपको सेम उसी वाला इमेज को चूज करना होगा। जैसे कि मैं ये वाला किया तो अगेन आपको इसके अंदर भी सेम उसी वाला इमेज को चूज करना होगा। तो यहाँ पर ये वाला मैंने कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये फोटोज़ किस तरह हो गया है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर लेना, देन अगेन 3 डॉट पे क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया, यानी दोनों लेयर को। अब यहाँ पर ओवरले मिलता है तो आपको ओवरले वीडियोज़ को चूज़ करना होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो एक ये है, ये आपको ओवरले वीडियो यूज़ कर सकते हो, ये तो फायर ओवरले है, तो आप फायर ओवरले या इनमें से कोई भी एक ओवरले यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैं ये वाला ओवरले को ही चूज़ करता हूँ, जो ब्लेंडिंग करके ऑलरेडी इसके अंदर स्क्रीन किया हुआ रहता है, तो ये भी आपका सेम उसी तरह रहता है। बट हाँ, यहाँ पर आप हटा सकते हो ये वाला। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो लेयर है आपका, सॉरी यहाँ पर कट में कर दिया, तो ये जो आपका लेयर है यहाँ, यहाँ पर जैसे कि आपने इंपोर्ट किया था ये लेयर, तो आप हटा देना। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा ब्लैक पार्ट शो हो जाएगा, तो अगर आप यहाँ पर देना चाहते हो तो यहाँ पर अगेन आप यहाँ पर इस तरह दोनों लेयर को कॉपी कर लेना, यानी कि आपको यहाँ पर अगेन दो जो आपका सेम इमेजेस को इंपोर्ट करना होगा। जैसे कि आपका ये वाला इमेजेस है मेरा, तो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया। अब इससे मैं डाउन की तरफ कर देता हूँ यहाँ पर, और ये आपका देख रहे हो यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर कट कर देता हूँ मैं, तो देखो ये आपका यहाँ पर इस तरह सेट हो जाएगा। तो एक इमेजेस इंपोर्ट कर देना, अब ये सही लगता है देखने में। अब इसके अंदर भी आपने फोटोज़ यानी कि जो भी आपका सेट कर दिया आपने इसके अंदर, अब यहाँ पर गाइज आपको नेक्स्ट ग्रुप के अंदर जाना होगा, एडिट ग्रुप पर जाना होगा। अगेन आपको यहाँ पर इमोजी और फोटोज़ को सेट करना होगा। तो भाई मैंने यहाँ पर इमेज को इंपोर्ट कर लिया और स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर लेना, इमोजी भी सेट कर लिया हूँ। अब यहाँ पर अगेन आपको और ज़्यादा नहीं है, और आपके यहाँ पर ये लास्ट 4 ग्रुप्स, तो इसके अंदर भी जाना होगा, इमोजी फोटो फोटो, और उसके बाद स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया जरूर करना। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर ये करने के बाद नेक्स्ट ग्रुप पर जाना होगा, सेम योर इमेज, जस्ट आपको अपने 4:5 रेशियो का इमेज यूज़ करना होगा, ये लास्ट लेयर, इसके अंदर जाना ग्रुप के अंदर, अगेन योर इमेज, बस स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया जरूर कर लेना। और उसके बाद लास्ट इमेज पे आपको जाना होगा, और इसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ, बट मैं उससे पहले ये सब को जितना सारे लेयर सब है वो सबको कर लेता हूँ फोटो ऐड। तो गाइज ये आपका लास्ट ग्रुप है, तो यहाँ पर योर इमेज इमोजी पे जाकर आप, या इमोजी बाद में ऐड कर लेना। आप यहाँ पर देख रहे हो यूज़ हेयर 3 टाइप अनदर इमोजी, यानी कि आपको यहाँ पर जो 3 इमोजी आप यूज़ करोगे इस ग्रुप के अंदर, तीनों अलग इमोजी यूज़ करें। तो मैं यहाँ पर एक ये यूज़ करता हूँ। अब इसके अंदर मैं कोई अलग डॉलर वाला यूज़ कर लेता हूँ। इमोजी सबको आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हो, iOS PNG इमोजी इस तरह, तो ढेर सारा मिल जाएगा। जस्ट मैं आपको यहाँ पर इतना ही दे रहा हूँ। अब यहाँ पर एडिट ग्रुप पर जाना होगा, योर इमेज पर जाना होगा, कलर एंड फिल सिलेक्ट मीडिया, और अपना 4:5 रेशियो का अपना इमेज को चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर अभी कूल सा इमेज कौन सा है आप ही बताओ, ये वाला चूज़ कर लेता हूँ मैं। 3 डॉट पे क्लिक करें, स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया, अगेन बैक करें, और ग्रुप 2 पे जो आपको जाना होगा, अगेन सेम इमेज को यहाँ पर कलर एंड सिलेक्ट मीडिया पे जाकर सेम उसी वाला इमेज को यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि ये वाला है मेरा, मैं ऐड किया, 3 डॉट पे क्लिक करके फिर स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर लिया। अब यहाँ पर गाइज आप देखो ये आपका हो जाएगा सारा, यानी कि आपका ये जो ग्रुप जब देखोगे ना वो आपका बन के रेडी है। अब देखो ये आपको बन गया है, और एंड पे आपका ये आता है, ये अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बाय द वे हटा सकते हो। अब बैक करना होगा गाइज, आपको प्रोजेक्ट रेडी है, बट उसके बाद आपको एक CC प्रोजेक्ट मिलेगा, तो वो आप अपना CC, अगर आपके पास बेहतरीन CC है तो आप डेफिनेटली अपना बेहतरीन वाला CC यूज़ करें, वरना आप यहाँ पर ये वाला CC को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं इस CC प्रोजेक्ट को दे दूंगा, ऊपर की तरफ 5 अलग रहते हैं, नीचे की तरफ 5 अलग रहते हैं, तो एक टेक्निकल सो रहता है, एक CC बाय टेक्निकल सोल,
तो सीसी बाय टेक्निकल स्वेल अलग है और टेक्निकल स्वेल अलग है। तो पांचों लेयर को मैंने यहाँ पर कॉपी किया, अपना प्रोजेक्ट पे आता हूँ, पेस्ट फाइव लेयर्स करता हूँ, पांचों लेयर को सिलेक्ट करता हूँ इस तरह, और यहाँ पर ये लेयर नहीं है तो देख लो पांचों लेयर है। हाँ ये अब सही है, आप इतना दूर एक्सटेंड कर सकते हो। तो भाई देखो ये आपका इस तरह बन के रेडी हो जाएगा, और अगर सही लगता है तो रखना, अगर ये सीसी सही नहीं लगता तो हटा देना। तो आपके यहाँ पर वीडियो बनके रेडी है, शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करके आपने जैसे प्रीव्यू पे वीडियो देखा वैसे ही बनके ये रेडी है।